वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्केयर एट पॉइंट सी टी एंड सी डिवाइडेड बाय टी। सो सबसे पहले हम इस कर्व को ले लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्केयर। हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इक्वल्स टू c कांस्टेंट है सो इसका डेरिवेटिव आपके पास 0। यहाँ से जब हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे सो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा माइनस y डिवाइडेड बाई x। अब ये जो है ये आपके पास x एंड y गिवन है, x1 एंड y1 दो पॉइंट्स आपको गिवन है। ये जब हम यहाँ पर पुट करेंगे सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस y क्या है c डिवाइड बाई t और x जो है ये हमारा है ct एंड दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। अब ये अगर हम देखें तो c डिवाइड बाई t डिवाइड ct, डिवाइड को जब साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई वन ओवर ct, सो c c कैंसिल तो t स्केयर आ जाएगा सो माइनस वन ओवर t स्केयर। सो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया इसका। अब आप देखें इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। सो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1, y1 क्या है c डिवाइडेड बाय एंड x माइनस एक्स वन, सो x माइनस एक्स वन आपके पास है सी टी इक्वल्स टू एंड डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास है माइनस वन ओवर टी स्केयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें सो ये जब इस तरह आएगा तो y टी स्केयर माइनस टी स्केयर है तो टी स्केयर जब इसके मल्टीप्लाई होगा तो टी टी कैंसिल तो सिर्फ आपके पास बचेगा माइनस सी टी इक्वल्स टू, इसको जब हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस सी टी एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स को इधर लें सो माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा प्लस वाई टी स्केयर इक्वल्स टू सी टी, ये इसको भी जब हम इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस सी टी सो x प्लस वाई टी स्केयर इक्वल्स टू टू सी टी, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्केयर। सो आज का हमारा ये क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है एट द कर्व एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्केयर एट पॉइंट सी टी एंड सी डिवाइडेड बाय टी। सो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन हमने किया है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।